बचपन से लेकर हम इतने हारे हैं। ये भैया भी आपको डायल लगा के दिखाते हैं, लगाना लगाना ये भाई अभी बैक फ्लिप लगाएंगे यहाँ से और सीधा दूसरी साइड पर निकलेंगे जाके। चलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक इस नहर के पास क्यों खड़ा हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है रावी सैफन का, और ये ऐसा पॉइंट है जो कि लाहौर के करीब तरीन है और हिस्टोरिकली और ब्यूटीफुल सीनरी के हिसाब से बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। तो अभी हम जो है वो रावी सैफन का पॉइंट कवर करेंगे। इसका जो रास्ता है वो निकलता है जल्लो से, आपने बीआरबी नहर के साथ जल्लो जब आएंगे आप जल्लो मोड़ पे, वहाँ पे बीआरबी नहर के साथ आपने लेफ़्ट साइड भी हो जाना है और किसी से भी पूछना है अगर रावी सैफन जाना है आपने बीआरबी नहर के साथ साथ चलते जाना, आखिरकार आप रावी सैफन पॉइंट पे जो है वो पहुँच जाएंगे। तो अभी हम बीआरबी नहर पे खड़े हैं जल्लो गाँव के अंदर। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बीआरबी नहर की हिस्ट्री बताता चलूँ कि इस नहर की हिस्ट्री क्या है। बीआरबी नहर की जो फुल फॉर्म है वो बनती है बम्बा वाली रावी बेदियाँ। ये नहर शुरू होती है हेड मराला से, सियालकोट से, जो कि जराय चनाब के ऊपर बना हुआ है, वहाँ से निकलती है ये नहर और सीधा इधर से लाहौर से गुजरते हुए कसूर वाली साइड पर जाती है। तो ये जो नहर है इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, ये एज अ डिफेंस लाइन कंसीडर होती है और इस लाइन के साथ साथ मोर्चे बने हुए हैं पाकिस्तान के आर्मी के, वहाँ पे टैंक तोपे और आर्मी जो है वो अपनी बंदूकें शंदूकें लेके खड़ी रहती है जब भी कोई नागहानी आफत की या इस तरह की कोई जंगी सूरत हाल बनती है, तो इस लाइन को जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस कंसीडर किया जाता है। तो अभी निकलते हैं आगे हम रावी सैफन पॉइंट की तरफ, और रास्ते में कोई सीन वगैरह आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी निकलते हैं आगे। हाँ भी छोटे चलिए, चलो फिर। तो व्यूअर्स अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुकामी लोगों के साथ जो भाई इधर नहाने वगैरह आए हैं, बीआरबी नहर भी वैसे काफ़ी गहरी है, मेरे ख्याल से 50 फुट है इसकी गहराई, 72 फुट इसकी गहराई है, बहुत ज़्यादा बनती है 72 फुट। तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, आप बताएं भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके आप? बहुत भाई साहब मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। पानी ठंडा जी? यस पानी फुल ठंडा। और ये देखें छोटे छोटे बच्चे 72 फुट नहर के अंदर नहा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पे बाय द वे पाबंदियाँ नहाने में, मैं तो यही कहूँगा कि यार यहाँ पे फिर भी नहा रहे हैं, ज़्यादा मतलब कि आगे तक नहीं जाना चाहिए, पास पास बस किनारे के बंदा डाई मार लेता है। बाकी हमारा तो अली भाई हैं, ये बहुत इधर के प्लेयर हैं, ये तो नहाते रहते हैं अली भाई जी। अली भाई अली भाई आप बीआरबी नहर में नहाने आए हैं, कुछ बताएं नहर के बारे में कैसा पानी है? ये भाई मेरे बड़े ने, अच्छा ये सामने सिखाया, सड़िया मामा खराब करने वाला बंदा ही है यार। भाई हमने इधर बहुत ज्यादा नहाया बचपन से लेकर हम इधर नहा रहे हैं। ये भैया भी आपको डायल लगा के दिखाते हैं, ये भाई अभी बैक फ्लिप लगाएंगे यहाँ से और सीधा दूसरी साइड पर निकलेंगे जाके। चलो भाई साहब, चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ सारे गिनी भी नहीं कैमरे दे विच विच सारे पूरे निकले ने। चलो भाई ये इंजॉय हो रहा है वहाँ पे, स्पेशल स्पेशल लाइव आने लगी है। चलो ये एक बार थम्स अप व्यूअर। ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, इस चौक से अगर आप दरोगे वाली सामने वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने लेफ़्ट होना है, हम ना असल में ऊपर से आए हैं तो हम राइट हो रहे हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद आपने जब वहाँ से टर्न ले लेना है लेफ़्ट साइड पे, तो आपकी बीआरबी नहर जो है इसके साथ साथ आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और एट दी एंड पॉइंट जो है ना इसका, इस रोड का, वो है रावी सैफन। जब आप इस रोड के एंड पे पहुंच जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे रावी सैफन। वहां पहुंच के जो है ना मैं आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा, जहां से एक अजूबा नुमा चीज़ रूनमा होती है वो ये है कि ये जो नहर है इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ये सारी नहर है, बीआरबी नहर है। बीआरबी नहर जो है वो दरिया रावी के नीचे से गुज़रती है लेकिन पानी मिक्स नहीं होता इसका। तो ये वहाँ पर जो है ना एक अजीब चीज़ है, ये कह लें कि इंजीनियरों का कमाल है कि पानी को जो है ना मिक्स नहीं होने देते और वर्टिकली दरिया गुजर रहा है और उसके नीचे से ये नहर गुजर के चली जाएगी आगे की तरफ। अभी मैं आप देख सकते हैं कि ये मोर्चे वगैरह बने हुए हैं इसकी बॉर्डर लाइन पे,
अभी मैं रुक के आपको एक आधा मोर्चा दिखाता हूँ अंदर से, कि मोर्चे के अंदर से क्या सीन होता है। यहाँ पे जो है वो हमारी आर्मी के जवान खड़े होते हैं, जब जंगी सूरत हाल होती है तो सामने से आने वाले जो दुश्मन के सैनिक हैं उनका सामना करते हैं। अभी आपको मैं एक मोर्चे के अंदर जाके भी दिखाता हूँ। हाँ जी वलीद भाई, किधर जा रहे हो आज, क्या प्लान है? मैं जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं हम बस आपके पीछे पीछे। अच्छा, अभी जो जगह आपने देखी है ये कैसी लग रही है? नहर है बीआरबी, और अभी किधर खड़े हो आप? अभी ये मोर्चे के पास खड़े हैं, बस अंदर जाके देखने लगे हैं, कोई चर्सी चुर्सी टीका टुका लगा रहा होगा। अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, चलो चलते हैं। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह मोर्चे का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और अंदर अल्लाहु अकबर करके अंदर दाखिल हूँ। और ये सिमत का तयन बताया हुआ है, यहाँ से छोटा सा सुराख है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, शाम शाम भी होते हैं। लैट मार, अभी जो है ना वीवर्स अंदर दाखिल हो गए हैं, अंदर जो है ना सांप वगैरह भी इधर होते हैं, और मकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा है। ये सीन है ना सामने, बाहर से दिखाते हैं। अभी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, अंदर से नजर नहीं आ रहा। ओ तेरी, ये हम मोर्चे के ऊपर आ गए हैं अभी, और ये मैं आपको सामने दरिया उसके बीआरबी नहर के सीन दिखाता हूँ कुछ। हाँ जी, पहली दफा देखा मोर्चा? बिल्कुल पहली दफा देखा। कैसा लगा अंदर से? इधर पाकिस्तान के जवान खड़े होते हैं लंबी लंबी बंदूकें लेके, सामने जो भी सैनिक आएगा इंडिया का दुश्मन करके उड़ा देंगे। खैर, अमन होना चाहिए, हम इस चीज़ के हक में नहीं है जंग शंग के, वो भी अपने भाई हैं इंडिया वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, ये मोर्चे का सीन है कुछ। तो व्यूअर्स, ये कुछ सीन थे अंदर से मोर्चे के जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और ये पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके अंडर आता है ये सारा निज़ाम, दिफाई निज़ाम कहलाता है ये। और बेसिकली ये जो नहर है ना बीआरबी नहर, ये है ही बॉर्डर लाइन, और इसको एज अ लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो है हम ये ट्रैक जो है ना पहले कच्चा होता था, अब इन्होंने बना दिया, तो अभी हम इस ट्रैक पे जाएंगे और सीधा हम रावी सैफन पहुंचते हैं, उधर जाके आपको उसके खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। बस ये है कि मेरे पास डे लाइट जो है वो थोड़ी कम है, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, अंधेरा हो गया, तो फिर मैं शायद कुछ ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोशिश ये है कि अभी हम अंधेरा होने से पहले पहले अपने पॉइंट पर पहुँच जाएँ। अभी देखिए कि ट्रैक जो है ना कितना खूबसूरत हो गया है, और हमारे साइडों पे जो है ना खूबसूरत ग्रीनरी आ गई है, और ऐसे लग रहा है कि एक जंगल के अंदर से ट्रैक गुजर रहा है, और सामने से कोई जानवर भी गुजर के गया, अभी मेरे ख्याल से कोई लूमड़ी वगैरह थी। तो अभी मेरे ख्याल से हम पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा ही रह गया यहाँ से, तो जाके आपको खूबसूरत नज़ारे जो है ना रावी सैफन के दिखाते हैं। मैं स्पीड में चला रहा हूँ क्योंकि डे लाइट ख़त्म होने से पहले पहले वहाँ पहुँचना है मैंने। और ट्रैक जो है ना बड़ा खूबसूरत है,
इधर राइड करने का मज़ा आ जाता है, जबकि जब तक पहाड़ों में जाने का टाइम ना मिले तो लोरियो इधर आ जाया करो। जो राइडर्स मुझे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई ये वन डे राइड में आप इंक्लूड करें इसको, और जब आपका दिल मायूस हो घर बैठ बैठ के ऑफिस के काम से, तो आप अपनी बाइक निकालें और इस ट्रैक पे आ जाएं। आपको यही फील होगा कि आप पहाड़ों में जा रहे हैं। अभी आगे एंड पॉइंट आ गया, यहाँ से मेरे ख्याल से रावी सैफन का रास्ता जो है ना नीचे की तरफ निकलता है, वो लिखा भी हुआ है, रावी सैफन का बोर्ड लगा हुआ है, रावी सैफन स्टील कश्ती पुल। यहाँ पे बेड़ा भी चलता है, जो कि दरिया का जब पानी ज़्यादा होता है तो आप बेड़े के अंदर बाइक रख के दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, जो कि मैंने अपनी हेड मराला वाली जो वीडियो है उसमें दिखाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वाली वीडियो भी देखें जाके। अभी ये इस तरह का ट्रैक है जहाँ से हमने जाना है। ये दरिया का एरिया स्टार्ट हो गया, दरिया रावी बेसिकली ये ना, तो अभी हमने इधर से दरिया रावी की तरफ जाना है, और सामने जो है ना स्टील का पुल आ जाएगा, और उस पे हमने जो है ना पुल को क्रॉस करना है, फिर वो देखें जी सामने, ये सैफन का पॉइंट है। और सामने शायद गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा, जो टावर्स होते हैं ना आर्मी के, जो बिल्कुल ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने होते हैं, वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, ज़ीरो लाइन जिसे कहते हैं, ज़ीरो लाइन, वो सामने ज़ीरो लाइन का टावर है। हाँ जी ऑफ रोड लवर्स आ जाओ इधर, यहाँ पे जो है ना शिकार वगैरह भी होता है मछली का, तो काफ़ी शिकारी भाई भी इधर आते हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट जो है ना बड़ा अहमियत का हामिल है। मेरे ख्याल से ना अभी पुल टूट चुका है, क्योंकि पानी ज़्यादा आया, वो सामने पुल है, और मुझे लगता है बेड़े के अंदर जाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स अभी जो है ना हम दरियाए रावी सैफन पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो स्टील का पुल है वो टूटा हुआ है, और हमें जाना पड़ेगा बेड़े पे अपनी बाइक लोड करके, जो कि हमें इस साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएगा बाइक समेत। वो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद नज़र नहीं आ रहा, अभी बेड़ा आ गया तो मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स अभी ना हम बेड़े पे बाइक लोड करने लगे हैं, और हम बेड़े पे अभी जाने लगे हैं, और ये सारी गाड़ियाँ जो है ना ये बेड़े पे लोड होके जाएंगी। ये बेड़ा है जी, व्यूअर्स ट्रैक्टर तक जो है ना इस बेड़े के अंदर आ रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा है, गोप्रो में छोटा नज़र आ रहा है। ये दरिया रावी पे माशाल्लाह पानी तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और कुछ अपने शिकारी भाई भी बैठे हुए हैं शिकार के लिए, बेड़े के अंदर बाइक लोड करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि जगह बन जाएगी बाइक की। अभी जो है ना बेड़े पे बाइक लोड कर ली है, तो अभी बेड़ा चलेगा, यहाँ से फिर दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको जो सीन्स हैं वो दिखाता हूँ। रोशनी तकरीबन ख़त्म हो गई है, अब जैसी भी रेजोल्यूशन आ रही है उसमें गुजारा करें। क्यों भी वलीद भाई, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो समझा था इसी ये कराची में होता होगा लेकिन ये लाहौर के करीब शहर में भी होता है। तो मैंने कहा है ना जैसे पहले कि अगर आप पहाड़ों में जाना चाहते हैं, और जितने भी राइडर्स भाई मुझे देख रहे हैं और वो ऑफिस के कामों से और घर के कामों से थक चुके हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें, दो घंटे लाहौर से आ जाएँ सीधा रावी सैफन, और इन्जॉय करें जैसे कि इस टाइम मैं और वलीद साहब इन्जॉय कर रहे हैं। अभी सामने जो है वो जनरेटर चलेगा, जिससे बेड़ा जो है ना वो दूसरी साइड पर चला जाएगा।
पे साजी 100 रुपये टिकट है यहाँ पे, ये भाई होते हैं यहाँ पे तो यार काफ़ी चार्ज है, अभी इनको टिकट देते हैं आगे। अभी जो है ना अभी बस हम दूसरे किनारे पे पहुंच गए हैं, तो अभी यहाँ से बाइक अनलोड करते हैं और दूसरी साइड से आपको रावी से अपन का जो मतलब पहुँचा वो चौधरी साहब आने के नदियों पार से जंदा थाना की एक और जरूरी जाना, जरूरी जाना नदियों पार से आ गए हैं सजना के टिकाने से, बस इन्हें ही दसना चाहवागे कि बहुत ही अच्छा सफर किया कश्ती की सवारी, तुम भी आवो तो लुत्फ अंदोज हो, सफर तो जवाए ले जी व्यूअर्स, हम अपनी दूसरी साइड पे आ गए हैं, अभी यहाँ से आपको थोड़ा बहुत रावी सैफन का जो पॉइंट है वो दिखाता हूँ। व्यूअर्स ये जो है ना सैफन पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं, ऊपर जाके आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ से, और ये जो सामने आपको शायद पुल नज़र आ रहा हो ये वाला, ये आधा इधर है अभी और आधा जो है ना वो डूब चुका है क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पे इस वक्त, और जब ये पुल टूट जाता है तो फिर बेड़े की सर्विस ली जाती है, उसके बाद जो है ना इस पुल को दोबारा तमीर कर लिया जाता है। तो अभी मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको क्या सीन्स है। तो व्यूअर्स अभी हम ऊपर आ चुके हैं रावी सैफन पॉइंट पे, और इधर पाक आर्मी के जवानों के जो है ना मोर्चे वगैरह बने हुए हैं, मुझे लग रहा है कि पॉइंट ये वाला नहीं है, पॉइंट जो है ना वो आगे है। तो व्यूअर्स पीछे अभी वीडियो नहीं बना सकते थे, प्रोहिबिटेड एरिया था क्योंकि ये सारा बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे किसी किसी पॉइंट पे वीडियो बनाना अलाउ हुआ किसी पे नहीं, तो वो भाई ने हमें रोका, उसने कैमरा वगैरह चेक किया तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया सारा और डे लाइट जो है वो ख़त्म हो गया। तो काफ़ी 90% तक तो मैंने नज़ारे आपको दिखा दिए हैं। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि सैफन का जो है ना वो मतलब क्या होता है। रावी सैफन का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे दरिया और नहर एक दूसरे के ओपोजिट चलते हैं, मतलब कि ऊपर से दरिया जा रहा है और नीचे से नहर जा रही है, तो लेकिन पानी नहीं उसका मिलता आपस में, नहर जो होती है वो अंडरपास होती है, ऊपर से दरिया गुजर जाता है, तो ऐसे पॉइंट को सैफन कहते हैं। ये दुनिया में ऐसा पॉइंट जहाँ भी होगा उसका नाम सैफन ही होगा, जहाँ पे इस तरह की कोई पॉलिसी होगी, ऊपर से दरिया गुजर रहा है और नीचे से उसके नहर गुजर रही है लेकिन उसका पानी आपस में नहीं मिल रहा, तो ऐसे पॉइंट को सैफन कहते हैं। क्योंकि ये पॉइंट रावी पे बना हुआ है इसी वजह से इसको रावी सैफन पॉइंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अभी आगे निकलते हैं और वापसी का कोई सीन इधर से आपको दिखाते हैं। वैसे डे लाइट ख़त्म हो गई है, अभी देखते हैं क्या सीन है। जी व्यूअर्स इस वक्त हम जो सैफन से रोड काला खताई की तरफ जाता है उसके ऊपर हैं, बिल्कुल सुनसान है और यहाँ पे डर भी लग रहा है। क्योंकि ये ज़रा डेंजरस एरिया है, अल्लाह खैर करेगा, बाकी जैसे हम काला खताई रोड पे चढ़ जाएंगे फिर कोई मसला नहीं है। फाड़ा बब्बा बोतल पी गई है, बोतल है भाई ठंडी कोई भी